रूस मौजूदा मैन पावर की ताकत के मामले में 9वें स्थान पर और यूक्रेन 29वें स्थान पर है। यानी रूस की मौजूदा मैन पावर 6.97 करोड़ से ज्यादा है। इनमें से 4.66 करोड़ से ज्यादा लोग फिट फॉर सर्विस है। यूक्रेन की मैन पावर 2.23 करोड़ से ज्यादा है और इनमें से 1.56 करोड़ से ज्यादा लोग फिट फॉर सर्विस है। रूस के पास सक्रिय सैनिक 8.50 लाख है तो यूक्रेन के पास एक्टिव पर्सनल 2 लाख ही है। हैरानी की बात यह है कि दोनों ही देशों के पास रिजर्व सैन्य बल बराबर है। दोनों के पास ही रिजर्व सैन्य बल 2.50 लाख है जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 50,000 अर्धसैनिक बल ही है। रूस की एयरफोर्स globalfirepower.com की सूची में 2रे स्थान पर है तो वहीं रूस के पास कुल मिलाकर 4,173 एयरक्राफ्ट है जबकि यूक्रेन की रैंकिंग 31वीं है और उसके पास 318 एयरक्राफ्ट है। रूस के पास कुल फाइटर जेट 772 है जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 69 फाइटर जेट है। यहां पर यूक्रेन के लिए भारी मुसीबत खड़ी हो सकती है। रूस के पास हमला करने के लिए 772 में से 739 डेडिकेटेड अटैक जेट्स हैं, जबकि यूक्रेन के पास 69 में से डेडिकेटेड अटैक जेट्स 29 ही हैं। रूस के पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल 445 है जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 32 ही है। रूस के पास 522 ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट है जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 71 ट्रेनर्स है। रूस के पास स्पेशल मिशन के लिए 132 एयरक्राफ्ट है तो वहीं यूक्रेन के पास सिर्फ 5 है। रूस के पास कुल मिलाकर 1,543 हेलीकॉप्टर्स हैं तो जबकि यूक्रेन के पास 112 हेलीकॉप्टर्स हैं। रूस हेलीकॉप्टर्स के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जबकि यूक्रेन की रैंकिंग 34वीं है। रूस के 1543 में 544 हेलीकॉप्टर हमला करने में सक्षम है जबकि यूक्रेन के सिर्फ 34 हेलीकॉप्टर ही हमला कर सकते हैं। अब बात करते हैं जमीनी ताकत की। रूस टैंकों के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है। रूस के पास 12,420 टैंकर्स हैं, जबकि यूक्रेन टैंकर्स के मामले में दुनिया में 13वें नंबर पर आता है। उसके पास 2,596 टैंकर्स हैं। रूस के पास 30,122 बख्तरबंद वाहन है। वह इस मामले में दुनिया में 3रे स्थान पर आता है जबकि यूक्रेन के पास 12,303 बख्तरबंद वाहन है। उसकी रैंकिंग 6वीं है। रूस के पास स्वचालित आर्टिकल यानी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 6,574 है जबकि यूक्रेन के पास 1,067 है। रूस इस मामले में दुनिया में पहली रैंकिंग रखता है जबकि यूक्रेन 6ठी। इसके अलावा रूस खींच कर ले जाने वाली आर्टिलरी यानी टॉव आर्टिलरी में भी नंबर 1 पर है। उसके पास 2,040 टॉव आर्टिलरी है। रूस के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जबकि यूक्रेन के पास एक भी नहीं है। रूस के पास 70 सबमरीन है। रूस इस मामले में दुनिया का दूसरा ताकतवर देश है जबकि यूक्रेन के पास एक भी पनडुब्बी नहीं है। रूस के पास 15 विध्वंसक है जबकि यूक्रेन के पास एक भी नहीं है। रूस के पास 11 फ्रिगेट्स हैं जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 1 फ्रिगेट है। रूस के पास मर्चेंट मरीन यानी मर्चेंट नेवी के 2,873 जहाज है जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 409 जहाज है। रूस के पास 8 बंदरगाह और टर्मिनल्स हैं। बता दें कि रूस दुनिया में तीसरा ऐसा देश है जो बजट में बहुत ज्यादा खर्च करता है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।